संत रामगिरी महाराज के बयान का विरोध अब शुरू हो चुका है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बाकायदा रैली निकाली है, महंत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक में सिन्नर स्थित एक पंचाले गांव में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और इस कार्यक्रम में प्रवचन के दौरान महंत रामगिरी महाराज की एक टिप्पणी को मुस्लिम समाज ने भड़काऊ माना है और इसी के विरोध में अब रैली निकाली जा रही है और FIR भी दर्ज करने की मांग की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बताएं क्या मुस्लिम समाज की मांग है, भड़काऊ माना जा रहा है इस बयान को, रैली निकाली गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है मुस्लिम समाज के अंदर से? देखिए, देखा जाए तो जो संत हैं रामगिरी महाराज, उनकी लगातार मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 3 मुकदमे उनके खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश भर में मुस्लिम समाज के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में ग्वालियर में भी आज एक बड़ा प्रदर्शन है वो किया गया। जीवाजी यूनिवर्सिटी से SP ऑफिस तक एक पैदल मार्च, मुस्लिम समाज के हजारों संख्या में लोग यहाँ पर जुटे और उन्होंने प्रदर्शन किया और SP को एक ज्ञापन दिया है नासिक पुलिस कमिश्नर के नाम पर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है वो कहीं ना कहीं उनके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ जो उनका विवादित बयान है वो 2 समाजों को तोड़ने वाला है, यानी कि 2 धर्मों के बीच में दरार डालने वाला बयान है। ऐसे में जो संत हैं, महंत हैं जो रामगिरी महाराज, उनके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया जाना चाहिए, साथ ही उनको माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, साथ ही कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो हम देखें तो पूरे देश भर में उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन है वो जारी है और जैसा कि 3 मुकदमे उनके खिलाफ पहले ही दर्ज हो चुके हैं महाराष्ट्र में और लगातार जिस तरह से पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और ग्वालियर में आज हुआ ये प्रदर्शन, तो साफ तौर पर बताता है कि जो संत रामगिरी महाराज हैं उनकी मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्होंने नासिक के पाचिला गांव है वहां पर प्रवचन के दौरान इस तरह की जो विवादित जो टिप्पणी करी थी, अब जो जिस पर लगातार विवाद होता जा रहा है वो अब उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिल्कुल परेशानी का सबब बना हुआ है और मुस्लिम जो वर्ग है वो अब रैली निकालकर शिकायत कर रहा है, एक्शन की मांग कर रहा है। आप नज़र बना के रखिएगा नासिर, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।